हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। श्री गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में अंजनी स्थित आर्य कन्या गुरुकुल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। हजारों की भीड़ ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर निलोखेड़ी, पुंडरी, घरोंडा के विधायक, पूर्व विधायक और आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निलोखेड़ी के आर्य कन्या गुरुकुल में नर्सिंग कॉलेज स्टेडियम 51 लाख रुपए की नगद राशि सहित कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद विधायक कई बार खड़े हुए और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी का जयंती का दिन है। हम जानते हैं स्वामी जी त्याग और तपस्या के प्रतीक थे। समाज सेवा, खास करके महिला शिक्षा, शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले वो पुरोधा, धर्म और संस्कृति के प्रणेता, जिनका जन्म जैसा बताया गया 24 दिसंबर 1908 को हुआ और उनको निर्वाण हुए भी 48 वर्ष हो गए हैं। बहुत लोगों ने दर्शन किए हैं उनके जीवन का, उनके जीवन चक्र का। उन सबको ज्ञान और जानकारी है जो उनके सानिध्य में रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से उनको अपनी ओर से नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके बताए हुए कामों पर समाज के सब लोग आगे बढ़ेंगे और उसी जील के साथ, मिशन के साथ, उसी त्याग और तपस्या के इन सिद्धांतों को आगे लेकर के चलेंगे तो समाज के काम को बल मिलेगा। तो आज के इस अवसर पर एक महान कर्मयोगी जिन्होंने अपनी वाणी से जनता को जागरूक किया, ऐसे अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा में उन्होंने गौ पालन की दिशा में अनेक काम किए। आज इस अवसर पर भाषण देने का मेरे पास समय तो उतना। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने छुड़ाने गांव के 3 युवाओं के लेफ्टिनेंट चुने जाने पर बधाई दी। राज्यपाल दत्तात्रेय ने चयनित युवाओं को फोन पर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनके अभिभावकों को भी बधाई दी। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के छुड़ानी गांव से ऋतिक धनखड़, अमन सहवाग और आशीष सहवाग का लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है। तीन युवाओं के लेफ्टिनेंट चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज कुंडली स्थित निफ्टम संस्थान का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भारतीय खानपान के प्रति रुचि रखती है, लेकिन वे चाहते हैं कि इनोवेटिव और जैविक खानपान लोगों को मिले। इसके लिए निफ्टम संस्थान बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्र है और इस दिशा में काम कर रहा है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश के तमाम जिलों में बड़ा है। लोग खेती में तमाम तरह के प्रयोग करते हुए खेती के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। उनके मंत्रालय की प्राथमिकता है कि भारतीय उद्योग दुनिया में ब्रांड बन कर आए। आज मेरे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि मैं निफ्टम के कैंपस में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। फूड प्रोसेसिंग चाहे मंत्रालय हो चाहे इंडस्ट्री हो, दोनों के लिए ये संस्थान रीढ़ की हड्डी है। दुनिया में भारतीय खान पान के प्रति लोगों का रुझान है, उसकी रुचि है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई इनोवेटिव और कोई जैविक खाद्य पान उनको मिले, लेकिन अगर उसके तत्वों के बारे में अगर स्पष्ट जानकारी नहीं हो तो ये कन्फ्यूजन हमको बहुत तकलीफ देता है। निफ्टम उन सब बातों में अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ में जिस प्रकार से खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग देश के तमाम जिलों में, क्योंकि खेती का उत्पादन बढ़ा है, लोग नए तरीके के प्रयोग खेती में कर रहे हैं,
तो जो भी सब्जियां या फल या कोई भी अनाज जो जल्दी खराब होता है उसको कैसे उसकी उम्र बढ़ाई जाए, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये तकनीक के लिए ये सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है और हमें ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जिसको निफ्टम तैयार करना है, लेकिन हमें बहुत जोर देना है R&D पर। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा सत्र के बारे में बातचीत की और सत्र के दौरान मुद्दों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने बयान में आगे क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इश्यूज थे जिनका कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग मोशन मैंने भी 12 लगाए थे, दूसरे विपक्ष के द्वारा भी, अन्य पार्टी के नेताओं के द्वारा भी वो लगाए थे, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा में उनको रिजेक्ट कर दिया, ऐसे जबलत मुद्दे जिन पे विधानसभा के अंदर खुलकर खुले मंच उसमें चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार को जवाब देना बनता है, उसको किस प्रकार के दबाकर उसको रिजेक्ट करने का काम विधानसभा में होता है, इसको देखकर बड़ा मन दुख होता है कि लोकतंत्र कहाँ है। जिस लोकतांत्रिक ढांचे की हम बात करते हैं, जिस लोकतंत्र डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। आपने देखा कि HPSC का कितना बड़ा एक घोटाला, कितना बड़ा एक खेल, करोड़ों रुपए का ऑफिस के अंदर लेन देन, और मैं उसके लिए बधाई देता हूं सुत्रजीत कपूर की टीम को जिन्होंने उस पर एक्शन लेने का काम किया, लेकिन उस एक्शन के बाद जो उसकी रिएक्शन हुई वो बड़ी चिंता का कारण है। उस जांच के अंदर जो शुरुआत में एक्शन लिया था और उसका जो मोड जिस तरफ जाना चाहिए था वो एकदम से ठंडा होता नजर आया, ये सब पूरे प्रदेश की और आप सब मीडिया के साथियों के सामने। जिस प्रकार से विधानसभा में हुड्डा साहब ने उस चैट का जिक्र किया जिसमें खुलेआम आप सबको पता है उसमें किसका नाम उजागर हुआ, एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी का नाम उस चैट में आया, और उस वो चैट जिसके द्वारा की जा रही थी वो आप सब जानते हैं, वो डायरेक्ट HPSC के चेयरमैन के साथ में उसकी हुड्डा साहब ने जो की थी, लेकिन एक मजाक बनाकर उसको किस प्रकार से दबा दिया, एक शेरो शायरी के दौर में उसको खत्म कर दिया, जो इस प्रदेश के युवाओं के, इस प्रदेश के बच्चों के साथ में खिलवाड़ है उनके भविष्य। वहीं चरखी दादरी के झोजू कलां ब्लॉक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर झोजू कलां BDPO सुभाष शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ब्लॉक स्तर के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सुभाष शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर उनका निपटारा किया गया। स्तरीय गुड गवर्नेंस डे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो 25 दिसंबर को जन्मदिन है उसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, और सुशासन दिवस के लिए जो है ना, ये लोगों की जो भी समस्या है अलग अलग विभाग से, बिजली की, पानी की, बैंक से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, मेरी फसल मेरे द्वारा, इस टाइप के स्वामित्व की जितने भी स्कीम सरकार की चल रही है सबकी सुनवाई खंड लेवल के ऊपर जो अधिकारी हैं वो आज बुलाए हैं, और जो कार्यालय अध्यक्ष भी आए हुए हैं यहाँ, तो समस्याओं सुन रहे हैं, मौके पर ही समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें 1 हफ्ता 10 दिन का समय लगता है, उनको बताया जाता है 3 दिन के अंदर आपकी समस्या। किसानों के मसीहा कहलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। इस खास मौके पर किसानों समेत देश भर के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को जमीनी और अपनी धुन के पक्के नेताओं में शुमार किया जाता रहा। इसी कड़ी में किसान दिवस पर रेवाड़ी में किसानों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में पहुंचे स्वराज इंडिया पार्टी संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी का FIR में 3 जगह पर नाम है, फिर भी
वो मंत्री बने हैं, जो कि सरकार के लिए शर्मनाक है। वहीं पंजाब चुनाव में चढ़ूनी की एंट्री को लेकर यादव ने कहा कि किसान आंदोलन से कद बढ़ा था, लेकिन चुनाव से प्रतिष्ठा घटेगी। आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, एफआईआर में उसका 3 जगह नाम है, जो हत्या वाली एफआईआर है, उसके बाद भी वो व्यक्ति है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेशर्मी और इससे ज़्यादा बिल्कुल सीधे सीधे अहंकार, सत्ता के अहंकार की ये तो पराकाष्ठा है। तो विपक्ष जो है, विपक्ष संसद में जो कुछ कर रहा है, उससे बड़ा विपक्ष तो किसान है, जो कि सड़क के ऊपर देंगे इनको। और मैं चुनौती देता हूँ, आइए अब, अगर आपने, हमने कहा, हर स्टेज पे मांगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी अपना इस्तीफा दें, नहीं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए और उन्हें जेल में डाला जाए, इस आदमी को तो जेल में होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो हमारा मिशन यूपी कायम रहेगा, हम इनका विरोध जारी रखेंगे, विपक्ष करे ना करे, करे तो स्वागत है, ना करे तो भी हम तो करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आलू की फसल का संरक्षित मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाए। इसके लिए बागवानी सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा राज्य के किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत प्रदान करने के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2021 को शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भावांतर भरपाई में जो आलू का रेट पहले था वो 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका रेट 6 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है भावांतर भरपाई में। और इसमें 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो उपज होती है उस पर ये सरकार के माध्यम से किसान के खाते में ये अनुदान राशि दी जाएगी। जो किसान का रेट 6 रुपये से प्रति किलो के हिसाब से जिसको कम मिलेगा उसमें जो बीच का अंतर है उसके खाते में वो डीबीटी के माध्यम से वो राशि दे दी जाएगी। सरकार द्वारा जो भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है ये किसानों को जो कम रेट अगर मिलती है तो उसकी भरपाई के लिए योजना चलाई गई है। जैसे कि मान लो अभी सरकार ने आलू पर रेट बढ़ा दिया, 600 रुपये पर कुंटल कर दिया, पहले 500 था और इसको बढ़ा दिया। अब यदि किसान बेचने मंडी में जाता है, मान लो उसको 2-3 रुपये किलो रेट मिलती है, तो वो वहाँ जे फॉर्म कटवा लेगा, कटवाने के बाद उसको ऑनलाइन FMME पे अपलोड कर देगा, तो उसे जो 3 रुपये किलो बेची और अगले जो 3 रुपये हैं वो उसकी भरपाई के उसके खाते में आ जाएंगे, जिससे उसको नुकसान नहीं होगा। यदि जो न्यूनतम कीमत सरकार द्वारा जारी की गई है उससे ज़्यादा में अगर किसान की बेचती है तो बहुत अच्छा। मेरा नाम कुलदीप है और मैं शौल गाँव का निवासी हूँ, और मैंने अपने 2 एकड़ में आलू लगाए हुए हैं, और जो सरकार ने समर्थन मूल्य का बढ़ाया है आलू पे, उससे हम किसानों को बहुत मदद मिल रही है और हम आगे भी अपना आलू का काम जारी रखेंगे। मेरा नाम जसमंत है, शौल गाँव का निवासी हूँ, और जो ये आलू के बारे में योजना चलाई हो रही है ये बहुत अच्छी योजना है, और आलू की हम हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB News पर। डॉक्टर बनकर
मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासन आदेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी के गांव मिर्च में ग्राम पंचायत के सहयोग से जिले के प्रथम प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य प्रशिक्षक मध्य प्रदेश बालाघाट कन्नई गांव से प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ ताराचंद बेजली ने शिरकत की। आयोजन में प्राकृतिक खेती करने के तरीकों को विस्तार से बताया गया। मुख्य प्रशिक्षक प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ ताराचंद बेजली ने कहा कि प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अपार संभावना है। आज जिस प्रकार से देसी खानपान के प्रति तेजी के साथ लोगों का रुझान बढ़ा है, इस क्षेत्र में अनेकों अवसर किसानों का इंतजार कर रहे हैं। देवेंद्र जी हैं यहाँ पे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर मिर्च गांव के। उन्होंने पूरे हरियाणा से फार्मर्स को जो प्रकृति खेती करते हैं उन फार्मर्स को बुलाया है और मध्य प्रदेश से ताराचंद जी हैं जो एक्सपर्ट हैं प्रकृति खेती के, उन्हें बहुत से अवार्ड मिले हैं, उनको बुलाया इन्होंने। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रशासन की तरफ से। एक बहुत अच्छी पहल है कि फार्मर्स को बुला के गोष्ठी करने हैं, उनको नई टेक्निक सिखाएंगे प्रकृति खेती करने की। और हमारा भविष्य इसी में है क्योंकि जितनी बीमारियाँ आ रही हैं आपको पता है ये रसायन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कैंसर और बहुत सी बीमारियाँ हैं, मतलब इम्यूनिटी डाउन हो रही है। तो मैं खुद कन्विंस्ड हूँ कि प्रकृति खेती ही हमारा एक वे आउट है। और सबसे आग्रह करूँगा कि इसमें एक और भी बात है, जो सरकार की प्रशासनिक स्कीम्स हैं, गरीबी उन्मूलन का भी बहुत बड़ा साधन है। जैसे मैंने मशरूम की खेती का किया वर्णन यहाँ पे, हर गरीब से गरीब आदमी जिसमें 6 से 6 भाई एक कमरा है वो भी मशरूम की खेती कर सकता है और कम से कम अपनी 2 लाख इनकम कर सकता है। तो सरकार का परिवार उत्थान योजना के तहत भी जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इनको मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ आया था आपके बीच में। जो हमारे DSC बहुत अग्रेसिव हैं, जो किसानों को पेट्रोल का काम करते हैं, जो एनर्जी देने का, तो वो उद्देश्य ये कैंप का मकसद था किसानों की जो लागत है वो 0 बजट की करें और उत्पादन जो है उनको जो जितने भी मिनरल्स हैं सब्जियों में या फ्रूट में वो नेचुरल तरीके से आ सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग में। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम इस किसान गोष्ठी का आयोजन करें पूरे हरियाणा प्रदेश में, वहाँ से किसानों को बुलाएं, एकत्रित करें। और ये हर हमारी कोशिश है 2-3 महीने में हम गोष्ठी ऐसे करें। तो इसका क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य किसान की आमदनी और जो संसाधन प्रकृति ने जो हमको दिए उन्हीं के माध्यम से हम खेती करें, अपनी सब्जी की हो या अनाज की हो या दालों की हो,
और लागत कम से कम, क्योंकि पेस्टिसाइड यूरिया जुताई तो हमने इस खेती के माध्यम से जो टेक्निक है बेलजी भाई बता रहे हैं, जो जो बताएंगे अब 4 बजे तक ये मीटिंग चलेगी, तो उसके माध्यम से हम ये खेती में जो है ना जीरो बजट की खेती मान लो इसको। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हो चुका है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सदन की कार्यवाही की पूरी जानकारी दी। जो शीतकालीन सत्र है कल उसका समापन हुआ है और इस शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें हुई और उन 4 बैठकों में कुल समय जो है 19 घंटे 53 मिनट्स का जो समय है ये कार्रवाई चली है। इसमें कुल 8 विधेयक पास किए गए। तारांकित प्रश्न जो 206 स्वीकृत हुए थे उसमें से 80 तारांकित प्रश्न इस कार्यवाही में लगे थे, जिनमें से 50 का उत्तर जो है वो विधानसभा के पटल पर ओरल तरीके से डिस्कस हुआ। अतारांकित प्रश्न जो हैं 28 सदस्यों को वो स्वीकृत हुए थे। वैसे तो जो विधानसभा के नियम हैं उन नियमों में पहले केवल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिन के अंदर स्वीकृत हो सकता है, इस प्रकार का नियम था, लेकिन अब हमने इसको परिवर्तित करके एक दिन के अंदर 2 कॉल अटेंशन मोशन जो है वो स्वीकृत हो सकते हैं। और इस दृष्टि से जो 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई है एक दिन, क्योंकि एक प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव था, जिस दिन स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है उस दिन कॉल अटेंशन मोशन नहीं होता, तो उस दृष्टि से ये कार्यवाही जो है जो हमने कॉल अटेंशन मोशन है उनको लिया। टोटल कार्यवाही में शून्यकाल जो हमने पहली बार पिछली बार से शुरू किया था, इस बात की बताते हुए मुझे खुशी है कि शून्यकाल में 63 विधायकों ने शून्यकाल की कार्यवाही में हिस्सा लिया, उनको बोलने का हमने अवसर दिया। टोटल संख्या वैसे जो सदन की है वो 90 है, 90 में से जो 14 मंत्री या जो हमारे स्पीकर डिप्टी स्पीकर को मिला करके कुल विधायकों की संख्या 76 रह जाती है, 76 में से 3 अनुपस्थित रहे और 4 जो थे ऐसे थे जिन्होंने बोलने की इच्छा ही प्रकट नहीं की। बाकी के जो मैं कहूँगा 6 सदस्य थे, क्योंकि वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर अच्छे ढंग से उन्होंने बोल चुके थे, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, श्रीमती किरण चौधरी थी, इसलिए उन्होंने शून्यकाल में बोलने का अपना कोई प्रस्ताव नहीं रखा। इस सत्र में 8 विधेयक जो हैं वो पास हुए हैं। एक विधेयक जो है हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021, हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन तथा विधिमान्यकरण विधेयक 2021, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन विधेयक 2021, हरियाणा आबकारी विधेयक 2021, हरियाणा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2021।
ये जो 8 विधेयक हैं ये इस सत्र के अंदर जो स्वीकृत हुए हैं, और ये जो विधेयक हैं जैसा हमने कहा कि सभी सदस्यों को 4 दिन पहले कम से कम ये विधेयक मिल जाए, तो वो भी हमने इसकी बार अब की बार प्रयास किया है। केवल एक विधेयक जो सेम डे आया और सेम डे इंट्रोड्यूस हुआ और वो उसी दिन उसको क्लियर हुआ, केवल एक विधेयक था, बाकी 7 सदस्य जो हमने समय अवधि तय की थी उस समय अवधि के अनुसार हमने उनको सदस्यों को दिया और उनके ऊपर अच्छे ढंग से सभी चर्चा भी हुई। सदस्य जो थे खासतौर पर जो विपक्ष के थे उन सब को बोलने का हमने सदस्य दिया है, समय दिया है। जो अगर 2 या 3 या 4 रहे भी हैं वो सत्ता पक्ष के जिन्होंने ना बोलने की इच्छा जाहिर की, बाकी जो क्वेश्चन आवर उनका वैसे क्वेश्चन आवर के अंदर वो बोल चुके थे, क्वेश्चन आवर में बोले हैं, कुछ कुछ जो स्थगन प्रस्ताव है उसके ऊपर बोले हैं। हाँ, पहली बार होगा वैसे तो कि अपोजिशन को ज़्यादा टाइम है बोलने के लिए सत्ता पक्ष की बजाय। हाँ, 3 जो थे कुलदीप बिश्नोई, एक कोई एक दिन आया, वजह से एक दूड़ाराम जी तो क्योंकि उनके घर में एक घटना दुर्घटना हुई थी इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी जैसे एक दिन आए थे, गोपाल कांडा जी एक दिन आए थे, प्रमोद विज जी एक दिन बीच में नहीं 2 दिन आए, वो 2 दिन नहीं आए, वो अलग अलग जो सदस्य हैं वो व्यक्तिगत। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।